हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय के रो हाल है केना छी यहां सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। मित्रों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ग्रहों के उच्च और नीच स्थिति के बारे में। ग्रह अगर उच्च स्थिति में हो तो क्या फल देगा, ग्रह अगर नीच स्थिति में हो तो क्या फल देगा, ग्रह किस राशि में कौन सा ग्रह नीच का होता है, किस राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है, क्या उच्च का ग्रह 6, 8 और 12 घर में अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा, इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या नीच का ग्रह केंद्र में मूल त्रिकोण में अच्छा फल देगा या नहीं, सब कुछ लगभग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अभी तक आपने सीख लिया मेष से लेकर के मीन लग्न की तक की कुंडली कैसी देखी जाती है। हमारे पास बहुत सारे ज्योतिषियों का कॉल आता है, बहुत सारे यूट्यूबर का कॉल आता है, बहुत सारे पंडितों का कॉल आता है और आम जनता का तो आता ही है। वो बताते हैं कि आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, बहुत आसानी से समझने में हम लोगों को हो रही है और हम लोग नई नई जानकारी मिल रही है, हम लोगों को नई नई बातें सीख रहे हैं और इतनी आसान तरीके से आप बताते हो कि एक बार में याद ही हो जाता है, अगर एक बार लिख लेता हूँ तो वो याद हो जाता है। बहुत सारे ज्योतिषियों का जो अंधविश्वास था, जो अज्ञानता थी, जो पता नहीं थी, छोटी छोटी कॉमन चीज़ें, वो भी उनको जानकारी में आ रही है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मेरे कारण से चलो कोई सही ज्ञान की तरफ बढ़ रहा है। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की कि पब्लिक को कम से कम चीट नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि उसको सही जानकारी मिल रही है। और आप लोग जो खुद पब्लिक देख रहे हो, अगर वो खुद ही सीख रहे हो तब तो और कमाल की बात है। चलिए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा शुरू करते हैं। आपको कुंडली देखना आना चाहिए। कहा गया है कि ज्योतिष विद्या का ज्ञान जिसके पास में रहता है वो कहीं भी चला जाए दुनिया किसी भी कोने में, वहाँ पर में उसको इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा विशेष रूप से प्राप्त होगा और जितने लोग हैं वहाँ पर में उससे ज़्यादा, ये आप मान के चलो। इसलिए आपको ये ज्योतिष विद्या का ज्ञान होना आवश्यक है। मित्रों सबसे पहले हम ग्रहों की उच्च और नीच स्थिति के बारे में बात करते हैं। आप एक बात जान लें कि ग्रह अगर उच्च स्थिति में है और वो कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हुआ है, 6, 8, 12 की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, किसी भी भाव में बैठा हुआ है, तो आप ये मान के चलें कि उस व्यक्ति का उस भाव को लेकर के उद्धार हो जाएगा। मान लो कि अगर जमीन के भाव में बैठा हुआ तो इतना जमीन, इतना प्रॉपर्टी बनाएगा कि 7 पुस्तक खाते रह जाएंगे। धन के घर में उच्च का बैठा हुआ है, इतना धन बनाएगा, इतना दौलत बना करके दे के चला जाएगा जो उसकी कई आने वाले पुस्ते खाती पीती रह जाएंगे और वो खत्म नहीं होगा। ग्रह अगर नीच का है, अगर धन के भाव में बैठा हुआ है, तो इतना ज़्यादा कंगाल कर देगा कई वर्ष, कई पुस्तों को लग जाएगा उसको सही करने में, लेवल में लाने में, मेंटेन करने में कई वर्ष लग जाएंगे उसको, नहीं अगले बंदे को जो उसका नेक्स्ट जनरेशन होगा उसको। अगर जमीन के घर में कोई ग्रह नीच का हो गया तो आप ये मान करके चलो कि जितना प्रॉपर्टी है, जमीन वगैरह है, मकान वगैरह, वो सब बेच देगा, गिरवी रख देगा और उसकी स्थिति दयनीय हो जाएगी। तो इस प्रकार से है, मैं एक एक करके सब पर मैं चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा। अभी हम सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन से ग्रह किस राशि में उच्च के होते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कौन से ग्रह किस राशि में नीच के होते हैं। मित्रों अभी आपके सामने मैंने यहाँ पर मैं एक कुंडली की चार्ट तैयार करके रखी है और इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैं लिखा हुआ, ये मेष लग्न की कुंडली है, ये जो है मेष लग्न की कुंडली है, लेकिन 12 के 12 लग्न के लिए किसी भी लग्न की कुंडली हो नियम यही लागू होगा और सब कुछ यही रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के होते हैं, मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के होते हैं, यहाँ पर एक लिखा हुआ है ना, ये मेष राशि है, ये तो मेष राशि में आप ये समझ के चलो कि सूर्यदेव उच्च के होते हैं। ये किसी भी लग्न की कुंडली हो, मान लो कि ये वृषभ लग्न की कुंडली है तो यहाँ पर में मेष हो जाएगा, अगर यहाँ पर में सूर्यदेव है तो वो उच्च के हो जाएंगे। यानी कि इस कुंडली में आपकी मान लो किसी भी लग्न की कुंडली है और जहाँ पर में भी एक लिखा हुआ है, अगर वहाँ पर में सूर्यदेव है तो आपकी कुंडली में सूर्यदेव उच्च के हो गए, चाहे 12 के 12 घर में से किसी भी घर में हो। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, और राहु वृषभ और मिथुन दोनों राशि में उच्च के होते हैं। राहु भी उच्च का बढ़िया फल देता है, ऐसा नहीं है कि राहु सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में खराब ही फल देता है, बहुत बढ़िया फल देता है। तो राहु भी वृषभ और मिथुन में उच्च के होते हैं। गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है, लिखते जाओ कॉपी पर में, आप नोट करते जाओ तब जाकर के आपको याद होगा, गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं।
बुध अपने मूल त्रिकोण राशि यानी कि कन्या में उच्च के होते हैं, शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं, केतु वृश्चिक राशि में उच्च के होते हैं, केतु धनु राशि में उच्च के होते हैं, मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है। कहाँ चला गया वो नियम, जो अपने शत्रु के घर में अगर वो रहेगा तो वो बुरा ही फल देगा। देख लो, मीन अपने सबसे, ये शुक्र अपने सबसे प्रबल शत्रु के घर में है और उच्च का हो गया। बहुत कॉमन कॉमन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। ये शुक्र मीन राशि में बृहस्पति के घर में उच्च का हो गया। सोचने की बात है, जो लोग बताते हैं कि अपने शत्रु के घर में हो तो फल का नाश हो जाता है, वो बेकार नियम सही है, गलत नहीं है उनका बताना, लेकिन यहाँ पर अपवाद हो गया, ये एक्सेप्शन है। ये वहाँ पर आप उस नियम को खंडित नहीं कर सकते, गलत नहीं कर सकते कि वो नियम गलत है, नहीं, वो नियम सही है, लेकिन यहाँ पर में ये एक्सेप्शनल केस है। तो अभी आपने ये समझ लिया कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च के होते हैं। अब इनका फल बता देता हूँ आपको, फिर मैं आपको बताऊँगा कि नीच के ग्रह कौन से राशि में होते हैं और उसका क्या फल होता है। मान लो कि ये नौ के नौ ग्रह में से कोई भी हो, वो प्रथम भाव में बैठा हुआ है, और सॉरी गलत बता दिया, सूर्य जो है इस कुंडली में कहीं भी उच्च का बैठा हुआ है, 6, 8 और 12 को छोड़ करके, तो उस भाव के रिगार्डिंग बहुत बेहतरीन फल देगा। जैसे कि ले लेते हैं सूर्य, मान लीजिए कि धन के भाव में, चाहे पहले भाव से शुरू करते हैं, सूर्य प्रथम भाव में उच्च का बैठा हुआ है, उस व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज होगा, पर्सनालिटी बहुत बढ़िया होगी, शरीर की आकृति बहुत सुंदर और सुडौल होगी, उसका स्वभाव गुण बहुत बढ़िया होगा, तेजस्वी होगा, पत्नी कमाल की मिलेगी, रोजगार काम धंधा बहुत बेहतरीन चलेगा, जिंदगी में इतना कुछ हासिल कर लेगा जो फिर उसने सोचा नहीं होगा, अगर सूर्य प्रथम भाव में उच्च के हों तो। सूर्य अगर द्वितीय भाव में उच्च के हों तो वो व्यक्ति धन बहुत ज़्यादा जमा कर पाएगा, बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा कर पाएगा, स्टोरेज पैसा का बहुत ज़्यादा कर पाएगा, अपने लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेगा और उससे अपने लोग भी उसके बेनिफिट लेंगे। एक गड़बड़ी उसमें क्या होगी कि उसका वाणी थोड़ा सा रफ होगा, उग्र होगा, लेकिन और बाकी के रिगार्डिंग वो बहुत बेहतरीन फल देगा। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अष्टम भाव पर में, अष्टम भाव के रिगार्डिंग भी बढ़िया परिणाम देगा, यानी कि काम में बाधा आना बंद हो जाएगा, परेशानी बंद हो जाएगी, चोट एक्सीडेंट वगैरह वो सब बंद हो जाएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर में उच्च के बैठे हुए, बहुत बेहतरीन फल देगा। मान लो सूर्य तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, छोटे भाई बहन के साथ खूब बढ़िया संबंध रहेगा, बढ़िया मेहनत करेगा, कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट लेगा, छोटी छोटी यात्राओं करके बहुत लाभ लेगा वो, छोटी मोटी बीमारी का नाश हो जाएगा, उसके शरीर में छोटी मोटी बीमारी नहीं आएगी। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी सीधा नवम भाव पर में, भाग्यवान होगा, बहुत ज़्यादा भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, ज़िंदगी में ज़्यादातर काम भाग्य भरोसे हो जाएगा, पिता का काम खूब बढ़िया चलेगा इस बच्चे के जन्म होने के बाद। उसके बाद तीर्थ धर्म के क्षेत्र में उसका बहुत रुचि होगा, बहुत बढ़िया वो विकास करेगा खुद का भी और अपने धर्म का भी, तो यहाँ से रिगार्डिंग वो फल देगा। अगर मान लो कि अब इसी प्रकार से प्रत्येक ग्रह का आप समझ लेना, जैसे कि सूर्य मान लो कि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो क्या करेगा वो, उच्च का बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में, मेष राशि में अगर चतुर्थ भाव में वो सूर्य बैठा हुआ है उच्च का, तो आप ये मान के चलो कि वो व्यक्ति इतना प्रॉपर्टी बनाएगा कि कहते हैं ना कि कई पुस्त आती रहेंगी, खाते रहेंगी और वो खत्म नहीं होगा, वो जितना सोचा नहीं होगा उतना ज़्यादा वो प्रॉपर्टी बना के चला जाएगा, बहुत ज़मीन खरीद देगा, बहुत बड़ा बड़ा मकान बिल्डिंग सब एक से एक बना देगा। हाँ, डिग्री वाइज भी थोड़ा सा बल होना चाहिए उसमें, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना देगा, प्रॉपर्टी बना देगा, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी ले लेगा, चढ़ेगा, घर वालों को देगा, उसके सब रिलेटिव सब भी उसका बेनिफिट लेंगे, काम धंधा उसका बहुत ही कमाल का चलेगा, हायर ग्रेड पर में चला जाएगा, ऑफिसर रैंक में चला जाएगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो जाएगा, मंत्री संतरी बन सकता है, तो ये कमाल का फल उसको मिलेगा। सूर्य अगर मान लो कि पंचम भाव में अगर उच्च के हो गए, किसी के भी कुंडली में पंचम भाव में उच्च हो, पढ़ाई लिखाई में वो इस्पात होगा, ब्रिलियंट, ये कहते हैं ना तीक्ष्ण कटार छुरी सी, जैसे कि अभी UPSC का लड़का, एक बिहार का लड़का है हमारे यहाँ का, उसने क्लियर की है अभी, फर्स्ट रैंक पूरे हिंदुस्तान में उसने लाया है, अभी रिजल्ट आई है कल तो मैंने देखा, तो उसका क्या है, सूर्य उच्च का है, पंचम भाव में बैठा हुआ है सूर्य, जिसके कारण से उसने पूरे हिंदुस्तान में वो क्रैक करके फर्स्ट रैंक ला पाया, उसका दिमाग इतना ब्रिलियंट और इतना तेज। तो जिसका पंचम भाव में जो है सो सूर्य उच्च का रहेगा, आप यकीन मान के चलो वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में ब्रिलियंट होगा, उसके संतान बच्चे जो होंगे अति तेजस्वी होंगे, कमाल के बच्चे वो पैदा करेगा, बेटा का योग होगा, वो भी बेटा बहुत तेजस्वी तेजवान,
उसके बाद पेट से संबंधित कभी उसको बीमारी नहीं आएगी, अचानक से धन लाभ होता रहेगा। सोया हुआ एक बार आ गया 5 लाख रुपया, फिर कुछ कर रहा है कुछ, फिर आ गया 10 लाख रुपया, एट रेंडम से धन लाभ होता चला जाएगा। अगर सूर्य अगर पंचम भाव में मेष राशि का हो किसी भी लग्न की कुंडली में, तो उसके बाद बता दूं कि सूर्य अगर छठे भाव में हो तो छठा भाव तो गलत स्थान है, रोग ऋण शत्रु का स्थान है। लेकिन अगर सूर्य अगर छठे भाव में मेष राशि का उच्च का हो और लग्नेश अगर बलि हो, लग्नेश 6, 8, 12 में ना बैठा हो, लग्नेश अगर डिग्री वाइज बढ़िया हो, नीच का ना बैठा हो, 29 डिग्री नहीं हो, 0 डिग्री नहीं हो, मान लो कि इसके रिगार्डिंग भी वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। दुश्मन का नाश हो जाएगा, रोग का नाश हो जाएगा, कर्जा नहीं ले पाए लेगा वो व्यक्ति, कंपटीशन क्लियर कर लेगा, सरकारी नौकरी ले लेगा। लेकिन अगर ये सूर्य इसी भाव में उच्च का बैठा हुआ है और लग्नेश कहीं पिटा हुआ है, लग्नेश मान लो कि वो 0 डिग्री पे बैठा हुआ है, 29 डिग्री पे बैठा हुआ है, अथवा अपने नीच के राशि में बैठा हुआ है, अथवा अस्त का है, तो फिर इसके रिगार्डिंग वो सूर्य कुछ नहीं कर पाएगा, अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। उसके रिगार्डिंग फिर सूर्य बुरा रिजल्ट देगा, जैसे कि कर्जा होना, दुश्मनी होना, बीमारी होना, कंपटीशन क्लियर ना होना, ये सब परेशानी देगा। जैसे कि सूर्य मान लो कि उच्च का सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो फिर वो इसमें बढ़िया रिजल्ट देगा। पत्नी बड़ी सुंदर मिलेगी, पति कमाल का मिलेगा, बड़ा ही सुंदर, मनमोहक, बहुत प्यार करने वाला, बहुत मानने वाला, तेजस्वी, काम धंधा उसका कमाल का चलेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित कोई परेशानी नहीं आएगी, काम वासना उसको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि उसका खराब होगा, अच्छा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। पर्सनैलिटी बहुत बिल्डअप कर जाएगा, दृष्टि सीधा पड़ेगी प्रथम भाव पर, बहुत बढ़िया रहेगा। अष्टम भाव में अगर सूर्य पड़ा हुआ है और लग्नेश अगर कहीं पर में बढ़िया बैठा हुआ है, लग्नेश उच्च का बैठा हुआ है, लग्नेश 6 से लेकर के 18 डिग्री के बीच में बैठा हुआ है, उसके बाद मान लो कि लग्नेश किसी अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है, अगर लग्नेश बलि है, तो फिर अष्टम भाव में बैठने के बाद भी सूर्य उच्च का होने के कारण बहुत बढ़िया रिजल्ट है। उसके ज़िंदगी में काम में कभी रुकावट बाधा नहीं आएगी, जब भी सूर्य का समय आएगा उसका सब काम अपने आप चलता चला जाए, बाधाओं का सूर्य नाश कर देगा, दुश्मनों का नाश कर देगा, परेशानियों का नाश कर देगा। हायर एजुकेशन से हायर से हायर एजुकेशन में वो बंदा चला जाएगा, खजाना मिल जाएगा उसको, पैसे धन दौलत के ट्रेजरी का भी होगा, तो ये सब आपको प्राप्त हो जाएगा। नवम भाव में अगर सूर्य बैठा हुआ है और उसका जहाँ दृष्टि पड़ेगा उसके रिगार्डिंग भी बढ़िया रिजल्ट देगा, ये मान के चलना, मैं समय कम है इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। नवम भाव में रहेगा वो भी बढ़िया रिजल्ट देगा, पिता से संबंधित बढ़िया रिजल्ट रहेगा, पिता काम धंधा बढ़िया चलेगा, पिता का तेज बढ़ जाएगा, रुतबा बढ़ जाएगा, बच्चा भाग्यवान हो जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। दसवां भाव में सूर्य अगर मेष राशि में उच्च का फरा हुआ है तो मान लो कि उसका काम धंधा इतना बढ़िया चलेगा, इतना बढ़िया, हजारों लोग उसके अंदर में काम करेंगे और उसी से वो खाएगा पिएगा ऐश करेगा, गवर्नमेंट जॉब में चला जाएगा, हायर ऑफिसर बन सकता है, बहुत बड़ा मंत्री संतरी बन सकता है, एमपी एमएलए बन सकता है, विधायक बन सकता है, योग बन जाएगा। एकादश भाव में सूर्य अगर उच्च का हो गया और कमाल हो जाएगा, इतना पैसा आएगा कि ज़िंदगी में वो खर्च करते करते परेशान हो जाएगा, पैसा खत्म नहीं होगा कभी। जैसे द्वादश भाव में सूर्य उच्च का हो गया और लग्नेश भी बलि है, 6, 8, 12 में नहीं बैठा हुआ है, तो फिर सूर्य कमाल का फल देगा, ज़िंदगी में खर्चा कम होगा, उसको आमदनी ज़्यादा होगी, हॉस्पिटल का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, विदेश में जाके सेटल हो जाएगा, एनआरआई बन जाएगा, बहुत करोड़ों में कमाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर लग्नेश पिटा हुआ है, 0 डिग्री पे है, 29 डिग्री पर में है, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है लग्नेश, तो फिर परेशानी आ जाएगी। अस्त का लग्नेश बैठा हुआ है, कमज़ोर अगर लग्नेश है, कहने का मतलब बलहीन है, तो फिर वो उसके रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट ही देगा, जैसे कर्जा बढ़ जाएगा, खर्चा बहुत होगा, बीमारी परेशान करेगा, दुश्मन परेशान करेगा, कोर्ट केस हो जाएगा, ये सब परेशानी होती रहेगी उसको। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से राहु, चंद्रमा, गुरु, शनि, मंगल, शुक्र, बुध जिस भाव में भी बैठेगा उसके रिगार्डिंग इसी प्रकार से बेहतरीन रिजल्ट देगा। 6, 8, 12 के रिगार्डिंग बस एक चीज़ सोच एक ही है कि उसके रिगार्डिंग जो है सो लग्नेश मजबूत होना चाहिए, तो ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये नाश स्थान है, तीनों बहुत बेकार, बुरा स्थान, अच्छा नहीं है। अब हम बात करेंगे, ये तो उच्च की बात हो गई, अब हम नीच भी समझ लें कि नीच का जो है सो कैसे होता है। जैसे देख लो, अब यहाँ पर मैं उल्टा कर देंगे सबको, अभी आपके सामने ही मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त आपका ले रहा हूँ।
उच्च और नीच को समझने का सबसे कमाल का तरीका क्या है? जैसे कि ये आपका ऐसे ही लिखा रहेगा, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना है। और सात से शुरू किया आपने, एक से शुरू किया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, तो ये जहाँ पे जो लिखा हुआ है उसमें जो अंक है उस राशि में वो उच्च का हो गया। नीच का कैसे होगा? तो यहाँ पर में हम सात से शुरू करेंगे, ये हो जाएगा सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एक दो तीन चार पाँच छ। अब आप देख लो, सब कुछ वैसे ही लिखा हुआ है, कहीं से कुछ चेंजिंग नहीं हुआ, अंक में सिर्फ चेंजिंग हो गया। ये मेष राशि से शुरू था, ये तुला राशि से हो गया शुरू। तो तुला राशि में सूर्य नीच का हो गया, वृश्चिक राशि और धनु राशि में जो है जो चंद्र नीच का हो गया, राहु वृश्चिक राशि और धनु राशि में नीच का हो गया, गुरु मकर राशि में नीच का हो गया, बुध जो है सो मीन राशि में नीच का हो गया, शनि जो है सो मेष राशि में नीच का हो गया, केतु वृषभ और मिथुन राशि में नीच का हो गया, मंगल कर्क राशि में नीच का हो गया, शुक्र कन्या राशि में नीच का। सब कुछ वैसे ही है, इसमें कुछ भी बदलाव कुछ भी चेंजिंग नहीं हुए हैं, सब कुछ वैसे ही है, लेकिन अंक सिर्फ चेंज हो गया। याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? अंक बंद करके लिख लो आराम से, प्रथम भाव में सूर्य, द्वितीय भाव में चंद्र, तृतीय भाव में राहु और द्वितीय और तृतीय भाव में राहु, चतुर्थ भाव में गुरु, छठे में बुध, सप्तम में शनि, अष्टम और नवम भाव में केतु, दशम में मंगल और द्वादश में शुक्र। ये लिख लो एक बार, कुंडली में बना लो, दो चार पांच बार लिख लोगे आपको याद हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस एक दो तीन चार से लेकर के बारह तक लिख देना है, समझ लेना है कि अभी ऊंच का हो गया इस भाव में, और नीच का फिर सात से लिखना शुरू करना है, सात से लेकर के जो है सो बारह तक लिख देना है, समझ में आ गया कि ये नीच का हो गया। बस यही है, कुछ फॉर्मूला विशेष नहीं, बस इतना ही दिमाग में रखोगे। ये ग्रह की उच्च और नीच स्थिति याद रखना बहुत कठिन है, मैं बता रहा हूँ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आप। लेकिन फिर मैंने जब ये तरीका खोजा तो मुझे लगा कि हाँ यार ये कठिन नहीं है, अब इस प्रकार से ये लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। क्योंकि लोगों का मेरे पास बार बार कॉल क्वेश्चन यही आते हैं कि सर ग्रह का उच्च और नीच स्थिति ही याद नहीं हो पाता है, कुंडली जब देखता हूँ समझ में ही नहीं आता है क्या नीच क्या उच्च, भूल जाता हूँ, निकालना पड़ता है पेपर। तो कुछ दिन तो पेपर निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद मान लो कि 10-20 बार अगर आपने इसको लिख लिया तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी निकालने की, ये आपको ऐसे ही याद रहेगा। अब इसका थोड़ा सा फल बता दूं, ग्रहों का जो नीच स्थिति हो जाता है, मान लो कि जैसे सूर्य तुला राशि में नीच का हो गया, तो अब ये अगर प्रथम भाव में बैठा हुआ है और तुला लग्न की ही कुंडली है और तुला राशि में ही ये बैठा हुआ है, तो आप मान के चलो कि उस व्यक्ति को मानसिक स्थिति से वो जिंदगी भर डिस्टर्ब करके रखेगा, सूर्य दिमागी तौर पर में उसको बर्बाद कर देगा, मानसिक संतुलन जिंदगी में वो कभी नहीं बना पाएगा सूर्य, कभी नहीं, क्योंकि वो नीच का हो गया है तुला राशि में, उसका शरीर का आकृति आकार बेकार कर देगा सूर्य, पर्सनालिटी बेकार कर देगा, बिल्कुल अच्छा नहीं रहने देगा, अब पत्नी और पति से कभी संबंध बढ़िया नहीं रहने देगा, दोनों के बीच में हमेशा परेशानी टेंशन खटास पैदा होगी, काम धंधा कभी नहीं चलेगा बढ़िया, प्राइवेट पार्ट संबंधित परेशानी दे सकता है। इसी प्रकार से द्वितीय भाव में अगर सूर्य नीच का हो गया तो धन का नाश कर देगा, धन कभी जमा नहीं होने देगा, तृतीय भाव में सूर्य नीच का हो गया छोटे भाई बहन से बढ़िया कभी नहीं बनने देगा, हमेशा मेहनत फालतू का करना पड़ेगा, बीमारी छोटी मोटी लगी ही रहेगी, चतुर्थ भाव में सूर्य नीच का तुला राशि का हो गया जमीन बिक जाएगी, जमीन खत्म हो जाएगा, जो प्रॉपर्टी होगा मकान बिक जाएगा, गिरवी रख देगा, ये सब परेशानी सूर्य के समय में आ जाएगी, माता का स्वास्थ्य बहुत खराब हो जाएगा, काम धंधा बेकार चलेगा। पंचम भाव में सूर्य नीच का हो गया, समझ लो कि उसको पढ़ाई लिखाई में चौपट हो जाएगा, वो बिल्कुल बेकार पढ़ाई लिखाई हो जाएगी उसकी, और साथ में संतान भी बेकार नालायक निकल जाएगा, पेट से संबंधित परेशानी लगेगा, अचानक से धन हानि होता रहेगा, लव में फेल्योर हो जाएगा। छठे भाव में सूर्य नीच का हो गया, बर्बाद कर देगा पूर्ण रूप से, कर्ज में उस व्यक्ति को डुबा के रख देगा, वो व्यक्ति कभी कर्ज से निकल नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा उसके लिए सूर्य का उपाय करना जरूरत होगा। उसके बाद दुश्मन बहुत ज़्यादा जिंदगी भर परेशान करेगा और रोग जो है सो हमेशा आता ही रहेगा। सप्तम भाव में सूर्य नीच का हो गया, पति पत्नी के बीच में कभी जिंदगी में वो अच्छा रिलेशन नहीं रह पाएगा, हमेशा दोनों के बीच में टेंशन तनाव परेशानी ही चलती रहेगी, काम धंधा बिल्कुल बेकार चलता रहेगा। अष्टम भाव में सूर्य नीच का हो गया, मान लो कि मृत्यु तुल्य कष्ट दे करके छोड़ेगा, उसका बचना मुश्किल रहेगा। नवम भाव में सूर्य उच्च नीच का हो गया, आप समझ लो कि पिता का बहुत ज़्यादा स्थिति खराब रहेगी, भाग्य का तो इसको सपोर्ट ही जिंदगी में नहीं मिलेगा। दसम भाव में सूर्य नीच का हो गया, काम धंधा बेकार चलेगा। एकादश भाव में सूर्य नीच का हो गया, समझ लो ये कि उसका लाभ हमेशा डैमेज होता रहेगा, वो काम करके चला आएगा लेकिन पैसे के इनकम उसको नहीं हो पाएंगे, लाभ नहीं मिल पाएगा सूर्य की पीढ़ी में। द्वादश भाव में सूर्य अगर नीच का हो गया तो बर्बाद कर देगा पूर्ण रूप से, बंटाधार बर्बादी, यानी कि खर्चा बहुत होगा,
पैसे की बर्बादी बहुत होगी, हॉस्पिटल का चक्कर लगाते रहेगा, जिंदगी केस लड़ने में बीत जाएगा उसका, भाग दौड़ हमेशा करता रहेगा, यानी कि बर्बादी ही बर्बादी। तो इसी प्रकार से इसमें से जितने भी ग्रह हैं वो जहाँ पर भी इस कुंडली में नीच के होंगे उस घर को बुरी तरह से डैमेज तो करेगा ही, और उसकी दृष्टि जहाँ पड़ेगी उस भाव को भी पूर्ण रूप से डैमेज कर देगा, कोई नहीं बचा पाएगा। और इस स्थिति में किसी ज्योतिष ने, मूर्ख ने, बेवकूफ़ ने, मैं देखता हूँ ग्रह नीच का पड़ा हुआ है, उसको धारण करवा दिया उसका रुत्र, मान लो कि ये सूर्य तुला राशि में नीच का पड़ा हुआ है, बहुत सारी कुंड बड़ी तकलीफ होती है, मन करता है कि बहुत मारूँ उसको, तो तुला राशि में पड़ा हुआ है और उसको माणिक्य धारण करवा दिया, अब वो बंदा बर्बाद हो गया। वो माणिक्य धारण करने के बाद वो भटक रहा है जगह जगह पर में, उसका कोई काम सक्सेस नहीं हुआ, जो भी चल रहा था वो भी बर्बाद हो गया, सूर्य की नीचता में और वृद्धि हो गई, सूर्य नीच में भी महानीच का हो गया और उसको बर्बाद करने के लिए पूर्ण रूप से वो सक्षम हो गया। ऐसी स्थिति में बहुत गुस्सा आता है, कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और बहुत दिमागी तौर पर मैं खुद परेशान हो जाता हूँ उस समय। तो कभी भी नीच ग्रह का रत्न कभी जिंदगी में धारण नहीं करना है। उच्च का भी अगर डिग्री वाइज सही है तो धारण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर उच्च का है और डिग्री वाइज कमज़ोर है तो आप धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी मारक और कारक देख करके करना है, बहुत ज़्यादा सावधानी। रत्न धारण करने में बहुत कुछ विचार करना पड़ता है, ऐसे किसी को रत्न बेचने के लिए आप ऑर्डर नहीं दे सकते, जो ज्योतिषी लोग देख रहे हो उनको मैं बता रहा हूँ स्पेशली कि किसी को ऑर्डर मत दिया करो, आप लोगों के कारण बहुत सारे लोग दुनिया में बर्बाद हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और जिसका खामियाजा जो कुछ जानकार लोग हैं, ज्योतिष विद्या को जानते हैं, विद्वान लोग हैं, उनको भुगतना पड़ता है, हमारे जैसे लोगों को बड़ी तकलीफ होती है उस समय में, और ज्योतिष विद्या के प्रति लोगों का नफरत बढ़ जाता है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि कुछ भी निर्णय डिसीजन लेने से पहले, विशेष करके रत्न का निर्णय लेने से पहले निवेदन है मेरा ये कि बिल्कुल कुंडली को अच्छे से देखो, समझ में नहीं आ रहा है किसी दूसरे से सलाह लो और विद्वान से सलाह लो तभी जा करके दो, नहीं तो अगला बंदा बर्बाद हो जाएगा, आपका 1000-2000 तो रुपया बन गया लेकिन अगला बंदा बर्बाद हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, बचा लो उसको, यही प्रार्थना है आप लोगों से। तो यही थी मित्रों आज की हमारी वीडियो, थोड़ी लंबी हो गई लेकिन यही थी कि ग्रहों की उच्च और नीच स्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने एक वीडियो में आपको दे दिया, सब कुछ बता दिया, और ये विश्वास है मेरा कि इससे बढ़िया आपको कोई नहीं बताएगा। और अब इस वीडियो को एक बार दो बार देख लेने के बाद आपको कभी ज़िंदगी में किसी दूसरे ज्योतिष के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो पंडित और ज्योतिष लोग देख रहे हैं उनको भी दोबारा किताब उलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पन्ना खोलने की जरूरत नहीं, ये मेरा विश्वास है, दावा है मेरा, अगर दो चार बार इसको देख लो, समझ लो, लिख लो। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने व्हाट्सएप पर में ग्रुप में शेयर कर दो भाई, और स्टेटस में लगा दो, फेसबुक के टाइमलाइन पे शेयर कर दो, आपका इसमें एक सिक्के का खर्च नहीं है, नुकसान नहीं है, मेरा फ़ायदा है, और इसमें आपका फ़ायदा ये है कि सही जानकारी आप लोगों तक पहुँचा पा रहे हो, लोगों का जो आत्मा का जो आवाज़ है उनको जो फ़ायदा होगा उसका पुण्य मुझे तो मिलेगा ही, उसका कुछ परसेंटेज आपको भी मिलेगा, क्योंकि ये आपने पहुँचाया है, मेरी जिम्मेदारी यहाँ पे खत्म होती है, आपकी जिम्मेदारी पब्लिक की शुरू होती है, आप लोग इसको शेयर करो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन पर में ऑल पर में क्लिक कर दो, मेरे चैनल में प्रतिदिन लगभग 2 वीडियो आते हैं जो आपको हमेशा ज्ञान में वृद्धि ही करेंगे, ये मान के चलो कभी आपका नुकसान नहीं करेंगे, वो दूसरे एस्ट्रोलॉजर वाली बात नहीं है कि अभी छोड़ो नहीं बोलना है, तो इसलिए चलिए उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छा रहा होगा, हमारी रिलेशन बनी रहेगी, हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहेंगे, और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।